साधारण महिला की असाधारण कहानी जिसने बिग बी को भी बनाया अपना मुरीद। नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता और आप देख रहे हैं HS News। अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर स्पेशल एपिसोड में इस हफ्ते समाज सेविका रूमा देवी ने शिरकत की। आठवीं पास रूमा देवी ने शो में 12.5 लाख रुपए जीते। रूमा देवी वो महिला है जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों सर्वोच्च महिला सम्मान मिला है। उनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान के बाड़मेर के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली रूमा देवी की आज हर जगह चर्चा हो रही है। रूमा देवी सिर्फ 8वीं पास हैं और उनके लिए केबीसी गेम खेलना बड़ा मुश्किल था। रूमा देवी ने बताया कि जब केबीसी से पहली बार उनके पास कॉल आया था तो उन्हें लगा कि ये कॉल फेक है। रूमा देवी ने कहा कि कॉल दोबारा आने के बाद उन्हें कॉल पर भरोसा हुआ, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। केबीसी में जाते वक्त रूमा ने अपने पार्टनर के तौर पर सोनाक्षी सिन्हा को चुना था। रूमा ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ हॉट सीट पर बैठकर कौन बनेगा करोड़पति गेम खेला। रूमा देवी ने शो के दौरान अमिताभ बच्चन को बाड़मेर की खास एप्लिक वर्क से बनी हुई चादर भेंट की। वहीं अमिताभ बच्चन ने रूमा देवी से जैसलमेर से जुड़ी कई यादों को भी साझा किया। शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने रूमा की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं के बारे में सवाल पूछे। शो में रूमा देवी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने समाज में महिलाओं को घूंघट से बाहर आने में मदद की, कैसे उन्होंने सबके लिए ना सिर्फ स्टैंड लिया बल्कि उनको सशक्त बनाया। रूमा देवी महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देती हैं। वो अब तक एक या दो नहीं बल्कि 22,000 महिलाओं को स्किल की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन उनके काम से बहुत प्रेरित हुए और शो के बीच में कई बार ऐसे मौके भी आए जब सभी भावुक हो गए। रूमा देवी से जब बिग बी ने पूछा कि आपने महिलाओं के जीवन को परिवर्तित करने की कैसे ठानी, तो इसके जवाब में रूमा देवी ने कहा, 17 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। हमारा परिवार बहुत गरीब था। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ था। वो आर्थिक तंगी के चलते 48 घंटे में मर गया, क्योंकि उसका महंगा इलाज कराने के हमारे पास पैसे नहीं थे। इसके बाद मैंने ठानी कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। मुझे कसीदाकारी का काम आता था जो मुझे मेरी दादी ने सिखाया, तो मैंने वही करने की सोची। इस दौरान मैंने घर वालों और बाहर वालों के ताने भी सुने। शुरू में 10 महिलाओं ने बैग बनाना शुरू किया। इसके बाद हमें ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के बारे में पता चला तो हम वहां पहुंचे। उन्होंने हमारा काम बहुत पसंद किया। रूमा देवी ने बताया कि बैग बनाने के बाद उन्होंने कपड़े बनाने का फैसला किया, क्योंकि लोग कपड़े बार बार खरीदते हैं। रूमा देवी ने बताया कि उन्होंने अपने कपड़ों का प्रचार करने के लिए एक फैशन शो में हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन उन्हें वहां जगह नहीं मिली। फिर उन्होंने खुद ही फैशन शो का आयोजन किया और अपने कपड़ों का प्रचार किया। रूमा देवी ने बताया कि उनके प्रोडक्ट को अब सरकारी स्टोर में अलग से जगह दी गई है। रूमा देवी की इंस्पायरिंग कहानी सुनकर सोनाक्षी सिन्हा ने उनके प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनने का फैसला किया। साथ ही सोनाक्षी अब उनके प्रोडक्ट का प्रचार भी करेंगी। जब रूमा से पूछा गया कि वो जीती हुई राशि का क्या करेंगी, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बाड़मेर में जब हमें धागे की जरूरत होती है तो दिल्ली से मंगवाना पड़ता है, कपड़ा दक्षिण भारत से आता है, इन सब के लिए काफी दिन लग जाता है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि कोई सुविधा केंद्र बनाया जाए जहाँ सारा सामान मिल जाए। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।
देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज़, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।